नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज पुनः नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे CPC के अंतर्गत एक पक्षी डिक्री और उसे अपास्त किए जाने के आधार। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए जानें एक पक्षी डिक्री और उसे अपास्त किए जाने के आधार। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जब पक्षकारों को समन किया जाता है, उस स्थिति में आदेश 9 के अंतर्गत पक्षकारों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के परिणाम दिए गए हैं। इन परिणामों में से एक परिणाम एक पक्षी आदेश या डिक्री होता है। एक पक्षी आज्ञप्ति का अर्थ बुलाए गए पक्षकार द्वारा अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण किसी एक पक्षकार को सुना जाना तथा जो पक्षकार अदालत में उपस्थित ना होकर अपने लिखित कथन या अभिकथन नहीं करता है, उस पक्षकार को वाद से एक पक्षी कर दिया जाता है। जो पक्षकार न्यायालय में वाद लेकर आता है, केवल उसी के तर्क को सुनकर, केवल उसी के साक्षियों को सुनकर न्यायालय द्वारा एक पक्षी आदेश या आज्ञप्ति पारित कर दी जाती है। हालांकि एक पक्षी आज्ञप्ति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इस एक पक्षी आज्ञप्ति या निर्णय में केवल एक ही पक्षकार को सुना जाता है तथा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध आदेश या निर्णय पारित कर दिया जाता है। उस पक्षकार को नहीं सुना जाता जिसकी अनुपस्थिति में एक पक्षी आज्ञप्ति पारित की जाती है। एक पक्षी आज्ञप्ति उसी स्थिति में पारित की जाती है जिस स्थिति में पक्षकार समन द्वारा सूचना प्राप्त होने पर भी न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित अभिकथन नहीं करता है, बाद में आगे की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है तथा विचारण का भागीदार नहीं बनता है। उक्त परिस्थिति में पक्षकार वाद से बचने का प्रयास करता है। दीवानी प्रकरण में एक पक्षी आज्ञप्ति दिया जाना भी एक आवश्यक कार्य है, क्योंकि पक्षकार मुकदमों से बचते हैं तथा जिन पक्षकारों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है एवं पक्षकारों को व्यथित किया गया है, वह पक्षकार जो किसी व्यक्ति विशेष के कार्य द्वारा आहत है, ये लोग ऐसी अनुपस्थित रहने वाले पक्षकार के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। न्याय के सिद्धांत को गतिशील बनाने हेतु एक पक्षी आज्ञप्ति दी जाती है तथा यह न्यायालय की विशेष शक्ति है। जहां समन सम्यक रूप से तामिल किया गया हो और प्रतिवादी उपस्थित नहीं हो, वहां न्यायालय एक पक्षी अग्रसर हो सकेगा, एक पक्षी आज्ञप्ति पारित कर सकेगा। इसी प्रकार यदि प्रतिवादी समन प्राप्ति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तथा रजिस्ट्रीकरण पत्र को भी लेने से मना कर दे, तब ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जा सकेगी। आइए जानें एक पक्षी आज्ञप्ति अपास्त कब की जा सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 7 व 13 में एक पक्षी आज्ञप्ति आदेशों को आपात किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि सुनवाई एक पक्षीय स्थगित कर दी गई हो तो प्रतिवादी उपसंजात हो सकेगा और उपसंजति के लिए हेतु संरक्षित कर सकेगा। न्यायालय खर्च दिलवाकर या अन्यथा सुने जाने और लिखित कथन संस्थित किए जाने का आदेश दे सकेगा। अगर सुनवाई पूरी हो गई हो और वाद को निर्णय के लिए रखा गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में आदेश 9 के नियम 7 के अंतर्गत एक पक्षी आदेश को अपास्त नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनील कुमार बनाम प्रवीण चंद्र के मामले में 2008 राजस्थान 179 में कहा गया है। ऐसा ही जहां ऐसा प्रतिवादी जिसके विरुद्ध एक पक्षीय आज्ञप्ति पारित की गई है, न्यायालय का समाधान कर देता है कि सम्यक समन समान रूप से तामिल नहीं हुआ है, उसके उपस्थित नहीं होने का पर्याप्त कारण है
वह ऐसे एक पक्षी अज्ञप्ति को पास किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर खर्च देकर या अन्यथा शर्त पर एक पक्षी अज्ञप्ति को अपास करने का आदेश दे सकेगा। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केसेस देखें। वीके इंडस्ट्रीज बनाम मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले में यह उल्लेख किया गया है कि एक पक्षी अज्ञप्ति को अपास किए जाने के लिए जो शर्तें निर्धारित की जाएगी उन शर्तों को युक्तियुक्त होना चाहिए। कोई भी ऐसी शर्त जो युक्तियुक्त नहीं है उसे अज्ञप्ति अपास किए जाने के लिए न्यायालय द्वारा शर्तों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी एक पक्षी अज्ञप्ति केवल इस आधार पर कि समन की तामिल में अनियमितता की गई थी अपास नहीं की जा सकेगी। समन की तामिल में अनियमितता के साथ पक्षकार के पास कोई पर्याप्त युक्तियुक्त हेतु भी होना चाहिए जिसके कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। नेक्स्ट केस, किशोर कुमार अग्रवाल बनाम वासुदेव प्रसाद गुटगुटिया AIR 1977 पटना 131 के मामले में यह कहा गया है कि जहां कोई मामला एक न्यायालय से दूसरे मामले को अंतरित कर दिया गया हो लेकिन उसकी सूचना पक्षकारों को नहीं दी गई हो वहां किसी पक्षकार के विरुद्ध पारित एक पक्षी अज्ञप्ति अपास किए जाने योग्य होगी। नेक्स्ट केस, AV चार्ज बनाम SMR ट्रेडर्स और अन्य AIR 1980 केरल 100 के मामले में यह कहा गया है कि जहां कोई तिथि प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए नियत हो और वहां प्रतिवादी नियत तिथि को बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सका हो वहां एक पक्षी अज्ञप्ति को अपास कराने के लिए वाद की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्तुत आवेदन संधारण योग्य होगा। एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बीमारी को भी युक्तियुक्त बीमारी माना गया है। पक्षकार किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिस बीमारी के कारण वह न्यायालय तक आ पाने में असमर्थ हो तो ही इस कारण से डिग्री को अपास किए जाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट केस, मेसर्स प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ इंडिया के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी एक पक्षी अज्ञप्ति को पास कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि निर्णय ऋणी द्वारा विषय से संबंधित कोई पूर्व निर्णय पेश नहीं किया गया है। न्यायालय के लिए भी विधि की अज्ञानता क्षम्य या माफी योग्य नहीं है। समय समय पर भारत के उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में एक पक्षी अज्ञप्ति को अपास किए जाने हेतु आने वाले वादों में कुछ पर्याप्त और अपर्याप्त कारणों का वर्गीकरण किया गया है। सुनवाई की तिथि के संबंध में सद्भावनापूर्ण भूल, गाड़ी का विलंब से पहुंचना, अधिवक्ता का बीमार हो जाना, विरोधी पक्षकार द्वारा कपट, डायरी में सुनवाई की तारीख गलत अंकित कर दी जाए, वाद मित्र अथवा संरक्षक की लापरवाही, पक्षकार के संबंधी की मृत्यु हो जाना, पक्षकार का कारावासित हो जाना, विरोधी पक्षकार द्वारा निर्देश नहीं मिलना। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई भी डिक्री किसी भी आवेदन पर तब तक अपास नहीं की जाएगी जब तक बाद के विरोधी पक्षकार को उसकी सूचना नहीं दी जाती। बाद के विरोधी पक्षकार को सूचना देने के उपरांत ही एक पक्षी डिक्री को अपास किया जा सकेगा। अनुपस्थिति के कारणों की पर्याप्तता का प्रश्न या प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले, चक्रधर चौधरी बनाम पदा माल व दास के मामले में हाई ब्लड प्रेशर को अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण माना है। यदि कोई पक्षकार हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो इस आधार पर एक पक्षी अज्ञप्ति को अपास किया जा सकता है। नेक्स्ट केस, दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम शांति देवी AIR 1982 दिल्ली 159 का मामला। इस मामले में अधिवक्ता न्यायालय में दिए गए समय से लेट पहुंचे। उन्होंने इसके लिए न्यायालय में एक शपथ पत्र भी पेश किया। जब न्यायालय में पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि न्यायालय द्वारा मामले में एक पक्षी
कार्रवाई करने का आदेश दिया जा चुका है। जब अधिवक्ता द्वारा मामले में एकपक्षीय आदेश को पास किए जाने का आवेदन किया गया तो इसे पर्याप्त कारण माना गया तथा एक पक्षीय आदेश को अपास कर दिया गया। नेक्स्ट केस मधुबाला बनाम श्रीमती पुष्पा देवी के मामले में ऐसी एक पक्षीय अज्ञप्ति को अपास करने के आवेदन को ग्रह माना गया जो विभाग को शून्य एवं आकृत घोषित कराने के से संबंधित थी। पति द्वारा कपट के अधीन प्राप्त की गई थी। पत्नी द्वारा एक पक्षीय अज्ञप्ति की जानकारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपास कराने हेतु आवेदन कर दिया गया था। नेक्स्ट केस विश्वनाथ सिंह बनाम गोपाल कृष्ण सिंगल का मामला है। इस मामले में प्रतिवादी की बीमारी को अपास का एक अच्छा आधार माना गया, खास तौर पर से वहां जहां वादी ने इसका खंडन की नहीं किया हो। नेक्स्ट केस आलोक बाबू बनाम स्टेट ऑफ इंडिया के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि एक पक्षीय आदेश को अपास करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण द्वारा एक पूर्वोक्त शर्त के तौर पर खर्चा अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन 1 करोड़ रुपए जमा कराने जैसी कठोर शर्त नहीं लगा सकता। नेक्स्ट केस सैयद हसन अल्लाह अन्य बनाम अहमद बैग अन्य का मामला। एक पक्षीय अज्ञप्ति को अपास करने के लिए निम्नांकित पर्याप्त आधार माना गया है। समन का अंग्रेजी में जारी किया जाना जबकि प्रतिवादी अंग्रेजी नहीं जानता हो। निर्णय या ऑर्डर शीट पर ही लिखा जाना चाहिए, अर्थात निर्णय पृथक से विस्तृत नहीं लिखा गया होना चाहिए। एक पक्षी अज्ञप्ति के आदेश के विरुद्ध उपचार। प्रतिवादी द्वारा अपील धारा 96(2) के अंतर्गत एवं पुनर्विलोकन धारा 114 आदेश 47 के अंतर्गत की जा सकती है। आवेदन पत्र आदेश 9 के नियम 13 के अंतर्गत एक पक्षी अज्ञप्ति पारित करने वाले न्यायालय में अज्ञप्ति पारित होने की तिथि से या समन शामिल होने की अवस्था में उस दिनांक से जबकि आवेदक को अज्ञप्ति का ज्ञान हुआ 30 दिन के अंदर प्रतिवादी द्वारा आवेदन किया जाना चाहिए। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।